अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और पोहे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। खाने में बहुत ज्यादा मजेदार होता है, बहुत ही चटपटा होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा लिया है, मेजरिंग कप से 1 कप ले लिया है। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं, तो उससे आप मेजर कर सकते हैं। तो ये मैंने पतला वाला पोहा लिया, आप चाहें तो मोटा वाला भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिले। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए, पोहे को हमने भिगो कर छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ये कितना साफ सा भी हो गया और सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब इसको मैं एक बार इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसल लेंगे, ताकि जो गंदा है वो गंदगी वो निकल जाए। और इसको हम एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे इसका पानी। इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल लेंगे, साफ पानी से एक बार और धो लेंगे। और इसको इसी तरीके से हम 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो और अच्छे से निकल जाए। देखिए चूड़े को हमने अच्छे से वॉश करके 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, फिर अच्छे से साफ करके इसको मैंने छन्नी में रख दिया है। अब एकदम ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं कितना सूखा सूखा और खिला खिला चूड़ा हमारा है। तो इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसको हमें बहुत अच्छे से मसलना है, इस तरीके से एकदम डो के फॉर्म में आ जाए इतना हमें इसको मसलना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो इस तरीके से इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मसल लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से मसल लिया, आप देख सकते हैं ये एक डो की तरह बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, 2 ब्रेड स्लाइस। तो इसमें इसको हम हल्का सा गीला करेंगे। मैंने एक प्लेट में पानी ले लिया है और 2 स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए हैं। इस तरीके से हम इसको डिप करेंगे और इसका सारा पानी हम इस तरीके से निचोड़ देंगे इसमें। देखिए ये इस तरीके का हो जाना चाहिए। दूसरी स्लाइस भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। पानी सारा निकाल दिया है, ब्रेड क्रम और पोहे मैंने एक साथ कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिए 3 मीडियम साइज के आलू, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये भी डाल लेंगे इसी में। थोड़ा सा लिया है मैंने कटा हुआ हरा धनिया, ये भी डाल लेंगे। और थोड़े से मैंने पिसी मसाले लिए हैं, जिसमें लिया मैंने 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लिया मैंने नमक, 1/2 टीस्पून लिया चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया मैंने भुना जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया मैंने काली मिर्चों का पाउडर। ये सारे मसाले इसमें हम डाल लेंगे। चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक आप अपने हिसाब से डालें। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी में डाल लेंगे हम 1/2 नींबू का रस। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है चावल का आटा, इसको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे, इससे जो हमारे स्नैक्स में बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इसको हमने तैयार करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है मैदा, जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और 2 चुटकी के करीब हम डालेंगे इसमें नमक, बहुत ज्यादा नमक का यूज नहीं करेंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे, एक साथ हम नहीं डालेंगे पानी। इसके हम स्लरी तैयार कर लेंगे। इधर मैंने मैदे का घोल भी तैयार कर लिया है। इस तरीके से इतना पतला होना चाहिए, बहुत ज्यादा थिक
गोले में इसका नहीं बनाना है, इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ मैंने जो बेटर तैयार किया है उससे हम अपने स्नैक्स बनाएंगे। तो आप चाहें अपनी पसंद के कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, किसी भी तरीके का स्नैक्स बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको सर्कल में बना लें, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा स्क्वायर में बना सकते हैं, जिस शेप में आपको पसंद हो उस शेप में इसको बनाकर खा सकते हैं, या आप चाहें तो इकट्ठा इसको थोड़ा सा फ्लैट करके कटिंग कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। तो हम इस तरीके से इसको हाथ से ही बना लेंगे, थोड़ा सा स्क्वायर शेप में। इसी तरीके से हम अपने सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे स्नैक्स यहाँ पे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसका दूसरा स्टेप हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने जो मैदे का घोल तैयार किया यानी कि स्लरी, और यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ये मैंने तीन पीस लिए थे ब्रेड के, इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। तो हमारा ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो गया। एक बार इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो अपने स्नैक्स बनाए हैं, इस तरीके से एक स्नैक्स लेंगे और इसको डिप कर देंगे मैदे के घोल में। इसको निकाल के हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, इस तरीके से इसको कोट कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये इसको मैंने कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स से। अब इस तरीके से हम इसको सारे पीस इसी तरीके से हम घोल में डिप करके और ब्रेड क्रम में कोट करके रख लेंगे। मैंने डिप कर लिया है, हम डाल देंगे। ये देखें, इसी तरीके से हम अपने सारे पीस तैयार कर लेंगे। तो सभी स्नैक्स हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। तीन पीस मैंने पहले ब्रेड क्रम तीन पीस से बनाए थे, उसके बाद में मैंने दो ब्रेड पीस और लिए थे, उसका ब्रेड क्रम बनाए। मैंने पूरे पांच पीस के मैंने ब्रेड क्रम बनाए। यहाँ पे हमारे सारे स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। तो इधर मैंने तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए, तो हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, इस तरीके से ब्रेड क्रम में कोट करके भी रख सकते हैं और बिना कोट किए भी रख सकते हैं। और एक हफ्ते में आपको कभी भी जरूरत हो आप इसको सिर्फ फ्राई करके खा सकते हैं, या आपके घर में गेस्ट आ जाएं तो आपको फटाफट नाश्ता तैयार करना है तो उस टाइम भी आप इसको बहुत अच्छे से फ्राई करके चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ठंडा तेल नहीं चाहिए, नहीं तो जो हमने ब्रेड क्रम लगाया है वो जो है तेल में जाकर निकल जाएगा। इस तरीके से हम एक बार अच्छे से इसको सेट कर लेंगे ताकि हमारे जो ब्रेड क्रम है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद में हम एक एक पीस करके हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। इसको मैंने 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया था, और जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे उसके बाद में हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक बार में जितने आएंगे हम उतने पीस डाल देंगे। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, ये नीचे से हल्का सा सिक गया है, तब इसके हम साइड चेंज कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इनको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमने इसकी साइड चेंज कर दी है, 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हुए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इनका कलर आ गया है, तब इनको हम बाहर निकाल लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं, तो सारे पीस हम बाहर निकाल लेंगे।
और बाकी का बचा हुआ भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस ध्यान रखिए इसको हमें ना बहुत ठंडे तेल में फ्राई करना है, कम गरम में ना बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना है। दूसरी बैच का भी नाश्ता हमारा फ्राई होके तैयार हो गया है, तो इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा सारा नाश्ता फ्राई होके तैयार हो गया है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बना है। मैं आपको देखिए कितना क्रिस्पी है ये, तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आप इसको अपने पसंद के किसी भी सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, और आप इसको बनाकर एक हफ्ते के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हों, जस्ट से आप इसको फ्राई करके चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक, और हमारे चैनल को पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएंगे हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।